दोस्तों आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में ये कोलियस का पौधा है, और ये जो पौधा है दोस्तों ये मेरे गमले में लगा हुआ था, लेकिन ये दो तीन दिन से ये गमला गिर गया था, तो गमले के माध्यम से देखिए ये पूरा ही उखड़ गया है, ये टूट गया है, मीन्स दोस्तों ये सूखने कगार पे आ गया है। तो सोचा है इसको हम कटिंग से पौधे तैयार कर लें और कटिंग आपके साथ शेयर कर डालें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेगा। अगर देख रहे हैं फेसबुक पेज, तो फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर दिए। आइए आपको दिखाते हैं इसको कटिंग कैसे ग्रो करते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरीके से आपको कटिंग लेनी है, ये मेच्योर कटिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है कि जो ये लास्ट वाला सिरा है इसको दोस्तों हम कट करके हटा देते हैं। इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है, हम आपको बताएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने ये कट कर दिया, तो अब इसमें देखिए ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये इस तरीके से जो नोड, इसको नोड ही कह सकते हैं, जो नोड दिख रहा है ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कोलियस के पौधे को कटिंग से ग्रो करने के लिए। अब इसे करना क्या, देखिए अब इस तरीके से एक यहाँ से हम कटिंग इतना ले सकते हैं, देखिए एक कटिंग यहाँ से ले सकते हैं हम। अब इसमें पत्ती तो नहीं लगी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसको यहाँ से हम कर देते हैं कट, और एक कटिंग यहाँ से भी हम और ले लेते हैं। देखिए दो कटिंग हो गई, इसको भी दोस्तों ले सकते हैं, लेकिन इसको फिर भी इसको हम ग्रो कर लेते हैं। देखिए इसके लीफ यहाँ से हटा दीजिए, जो ऊपर का लीफ है इसको यहाँ से कट कर दीजिए, ये दो लीफ इसे छोड़ दीजिए। देखिए ये तीन कटिंग हो गई, उसके बाद इसमें भी ले लेते हैं हम। दोस्तों आप जानते हैं जो कटिंग की साइज़ है वो नॉर्मल ही लेनी है, बहुत कोई बड़ी साइज नहीं लेनी है। देखिए इसको भी हम ले लेते हैं, जो छोटा वाला इसको ऊपर से कट करके इसको भी नीचे की जो लीफ है इसको हम हटा देते हैं। देखिए ये कटिंग हो गई, अब ये चार से पांच कटिंग मेरे पास हो गई, और ये चार से पांच कटिंग आपको ग्रो करके हम दिखाते हैं। देखिए ये पांच कटिंग हो गई, इन दोनों को हम हटा देते हैं। अब जो ये बड़ी पत्तियां हैं इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं। अब उसका दोस्तों देखिए कटिंग तो मैंने अच्छी तरीके से कट कर दिया, अब इसमें रूटिंग हार्मोन आपको लगाना है। तो आप ये देख रहे हैं रूटेक्स, दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन है, रूटेक्स वन नंबर ये कटिंग कोलियस पौधे के लिए जो कोमल कटिंग जितनी होती हैं, और इसका मैंने वीडियो डाल रखा है, आई बटन पर लिंक है, जाकर देख सकते हैं। अगर उस वीडियो को एक बार आप देख लेते हैं ना, तो कोई भी कटिंग बहुत फास्ट तरीके से ग्रो करना आप सीख जाएंगे, जल्दी फेल नहीं होगी, तो ज़रूर से जाके देखिए। तो देखिए जो रूटिंग हार्मोन है, रूटिंग हार्मोन हम लगा देते हैं। हाँ अब बात आती है दोस्तों, ये ध्यान रहे इसमें नीचे ऊपर की जो कटिंग है ये आपको ध्यान से देखते रहना चाहिए। देखिए इस तरीके से हम इसको लगा देते हैं, या आप चाहें तो इसे पानी में डिप कर सकते हैं, हल्का सा पानी में डिप करके भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम सब लगा दिए, अब उसके बाद करना क्या है, इसको जो लगाना है आपको सॉइल मीडियम में, दोस्तों सिंपल सॉइल मीडियम में यूज करना है आपको, आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये सॉइल मीडिया देख रहे हैं आप, ये मैंने क्या ले रखा है, ये मैं ले रखा है देखिए, ये मिट्टी है और ये कोकोपीट है और ये सैंड, रिवर सैंड। तो इसमें आपको करना क्या दोस्तों, मिट्टी की मात्रा हमने ले रखा है ज़्यादा, इसमें मिट्टी की मात्रा 60 से 70% ले सकते हैं, 20% अगर 70% मिट्टी ले रहे हैं तो 20% कंपोस्ट ले लीजिए, और ये 10% ये ले लीजिए, और सबको ये मिक्स कर लीजिए। देखिए हम सबको मिक्स कर लेते हैं, अब उसके बाद इस तरीके की जो पॉट है, इस तरीके के पॉट में आप इसको लगा सकते हैं। अगर दोस्तों इसे छोटा भी पॉट होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जितनी अब आपको कटिंग लगानी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कटिंग कौन सी कितनी लगानी है आपको है। देखिए हमने ये पोटिंग मशीन से भर दिया, अब इसमें एक काम आपको ये करना है कि दोस्तों पहले इसमें आप दे सकते हैं पानी, पानी आप दे देंगे तो ऐसे क्या है कि मिट्टी पूरा अच्छे तरीके से ये नीचे जाके ये बैठ जाएगी, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके से हल्का से दे दीजिए पानी, पानी दे देंगे तो मिट्टी पूरा ये नीचे एकदम से ये बैठ जाएगी। अब एक बात दोस्तों और करना है कि जो मैंने कटिंग में रूटिंग हार्मोन मैंने लगाया है, अगर अच्छे तरीके से दोस्तों नहीं लगाया है तो एक काम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिए एक काम और कर लीजिए, इस तरीके से इतना डिप कर लीजिए पानी में, क्योंकि दोस्तों इसको बहुत जल्दी कटिंग को ग्रो करके हमको दिखाना है आपको। थोड़ा सा जो इसमें जो रूटेक्स हम लगा रहे हैं अच्छे तरीके से नहीं लगा हुआ है, तो फिर से इसको हम लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम फिर से इसमें लगा लेते हैं, ताकि और लगाने के बाद इस तरीके से आप इसे इस पर ठोक दीजिए, और ये ऊपर भी लगा दीजिए।
देखिए अब ये चिपक गया इसमें रूटेक्स। देखिए हम चार ही कटिंग ग्रो करते हैं, इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, या तो अगर आपका विचार है तो इसको भी ले लेते हैं। देखिए इसको भी इसमें लगा देते हैं। देखिए ये पांच कटिंग हो गई, और इन पांच कटिंग को लगाने के लिए अब इसमें करना कि हल्का हल्का इस तरीके से हम इसमें ये छिद्र बना लेंगे। देखिए मैंने पांच छिद्र बना लिया, और सभी छिद्र में करना क्या है, ये डाल देना है। बस आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना है, जो नीचे की कटिंग है नीचे ही डालिएगा, और ऊपर की कटिंग ऊपर ही छोड़ दीजिएगा। नहीं तो दोस्तों गलती होती क्या है कि नीचे कटिंग ऊपर लोग डाल देते हैं और ऊपर की कटिंग नीचे कर देते हैं, अब इसमें होने लगती है दिक्कत। अब देखिए हाथों से इसे हल्का सा दबा दीजिए, और दबाने के बाद दोस्तों करना क्या है, इसको रखना है छाया जगह पर, आपको ध्यान दें जहाँ पर धूप छन के आती होगी। और उसके बाद इसका अपडेट आपको हम दिखाते हैं कम से कम 10 दिन बाद का, और इसको हल्का सा देते हैं हम पानी। दोस्तों देखिए आज पूरे 11 दिन हो गया, और 11 दिन बाद का आपको रिजल्ट दिखा दें। देखिए इसमें जो दो कटिंग है दोस्तों, दो कटिंग सूख गई है। दोस्तों ये मैं शुरू में ही बोल रहा था कि ये मैच्योर नहीं है, संभावना है कम इस ग्रो करने की। देखिए दोनों ये सूख गई है, इसको हम निकाल देते हैं। लेकिन देखिए ये जो तीनों हैं बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें भी दोस्तों अभी कुछ दिन बाद अगर वेट करेंगे तो इसमें भी लीफ आना ये शुरू हो गया था। इन दोनों का रिजल्ट आपको दिखाते हैं। देखिए इन दोनों को हम प्यार से निकालते हैं। दोस्तों निकालने से पहले थोड़ा सा इसमें दे दीजिए पानी, इससे क्या हुआ दोस्तों नम हो जाएगा और जल्दी से ये निकल जाएगा। दोस्तों इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए दोनों को वॉश कर लेते हैं पानी में। देखिए ये रूटेक्स के कमाल है, जो इतने कम समय में देखिए रूट इसमें आ गया। आप ध्यान से देखेंगे तो अभी एक सप्ताह दोस्तों और आप छोड़ देते तो ये अच्छे तरीके से इसमें रूट आया था। अब देखिए इसकी बात आपको दिखा दें तो देखिए इसमें भी देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ से देखेंगे तो ध्यान से ये देखिए ये चिपका हुआ है, यहाँ से भी रूट इसमें ये आना ये शुरू हो गया है। तो इस तरीके दोस्तों कोलियस के जो पौधे की कटिंग है आप इसको ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों इसको करते हैं क्या, इसको हम पोटिंग मिक्स बना के इसको लगा देते हैं। और इसके लिए दोस्तों सिंपल वही स्ट्रांग पोटिंग मिक्स आपको बनाना है, और लगाने के लिए दोस्तों मात्र केवल अभी भी फिलहाल में इसको आपको लगाना है, छोटे ही गमले में इसको लगाना है। तो हम तो इसी में दोस्तों शिफ्ट कर देंगे, आप ये देख रहे हैं ये 6 इंच गमला है, इसी में हम शिफ्ट कर देते हैं। इसको भी निकाल देते हैं। दोस्तों मुझे एक पौधे की ज़रूरत है बस, तो इसको हम इसी गमले में केवल शिफ्ट कर देते हैं। और एक बात आपको हम बता दें, थोड़ा सा मुझसे गलती क्या हो गई थी दोस्तों, क्योंकि जो गलती होती है उसको भी बताना चाहिए। जैसे देखिए गलती ये हुई थी कि जब हम रूटिंग हार्मोन लगाए थे रूटेक्स, दोस्तों होता क्या है कि इस तरीके से हम केवल इस तरीके से इसी में डिप करके इसको लगा दिए थे। इसका लगाने का सही तरीका आपको अगर हम बता दें तो पहले करना क्या है, इस तरीके से आप पानी डालिए, इसको पानी में इसको नम कर लीजिए, और नम करने के बाद जितना आपको नीचे लगाना है उतना तक ये इसमें लगा के पाउडर हल्का से इस पर ठोक दीजिए। दोस्तों ये जो लगाने का तरीका ये बिल्कुल परफेक्ट है, इस तरीके से आप कटिंग को लगाइएगा। अब ये कटिंग है, इस कटिंग को हम ये लगा देते हैं इसमें। देखिए इसको हल्का सा हम गहरा कर ले रहे हैं। दोस्तों इस पोटिंग मिक्स में ये आप सोचेंगे कि ग्रो होगा, नहीं बिल्कुल ग्रो होगा। इसमें लगाइए, और लगाने के बाद हल्का सा ये प्रेस कर दीजिए मिट्टी को, और प्रेस करके इसमें आप दे दीजिए ये पानी। और पानी देने के बाद दोस्तों करना क्या है, एक दो दिन तक आप इसको छाया जगह पर छोड़ दीजिएगा, लेकिन फिर इसको आप धूप में रख दीजिएगा। धूप में रखेंगे अच्छे तरीके से दोस्तों ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। अगर देख रहे हैं फेसबुक पे भी तो फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर दें। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।